ज़्यादा खुश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैप्पी टीयर्स जिन्हें बोलते हैं ना, वो उसकी आंखों से बह रहे हैं. तो क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि कबीर आ गया है, वो 3 दिन उसे 30 साल जैसे लग रहा है. व्हेन ही इज़ फाइनली हियर, तो खुशी संभाल ही नहीं समझ रही है. आई लव दैट. अब बातें तो बाद में होती रहेंगी, इतने प्यार से जो मिले हैं इतने दिनों बाद, तो पहले मुझे लगा कि पहले मूमेंट बना लें. जब ज़ारा को इस बात की इल्तिजा होगी कि हमारा निकाह रुखसार के साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप यही क्लिप जो अभी उसने कहा है ना, बातें तो होती रहेंगी, प्ले इट बैक फॉर एट दैट टाइम सीन के बीच में. आप न्यूज चैनल वाले लोग आ जाना, बताना ये आपने कहा था. ज़ारा का क्या रिएक्शन? नहीं नहीं, बट ऑफकोर्स वो क्यों, मैं आपको बोलूँ माफ करना, बट जब आप उस मोमेंट में, तो वे यू आर दैट हैप्पी कि आप इतने खुश हो कि आप किसी की कुछ सुनना नहीं चाहते, यू जस्ट वांट के जो आपको महसूस हो रहा है ना, वो आगे वाले आपके चाहने वाले को महसूस हो. एक्चुअली और ज़ारा इतना प्यार करती है कबीर से कि जब वो उसके सामने आया तो उसे खुशी संभल नहीं रही है, वो पागल हो रही है, शी इज़ गोइंग क्रेजी. और इतनी खुश है, इतनी ओवरवेलम है कि आंसू आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या करूँ, शब्द नहीं है बयान करने के लिए. वो कबर्ड वाला अगर आपने 2-3 दिन पहले का एपिसोड देखा हो, मैं याद करती हूँ कबीर को. तो लेकिन अब जब कबीर वहीं पर है तो उसकी वही जैकेट लेकर मैं वहाँ बैठी हुई हूँ. So cute, यार. कबीर वहाँ से आके मुझे उठा लेता है. मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, उस वक्त मैं ये गुल्लक तोड़ूंगी. तो मुझे लगा इससे सही वक्त नहीं हो सकता कि कबीर की नज़र उतारनी, सदका जिसे बोलते हैं. जब बताएंगे तब देखते हैं, अभी तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है कबीर को देख के, तो और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है.